हाय, स्कूल जाना है। ओके मेरी जान, चलो फिर यहाँ से यहाँ से। बिस्मिल्लाह। नेका इधर इधर, चलो 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 जल्दी, हम लाएंगे एप्पी जूस, जल्दी जाओ एप्पी जूस लाना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो ज़ुल्करनैन अल्हम्दुलिल्लाह चला गया स्कूल और घर का काम भी अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे सहरी के, वो भी मैंने अच्छे से धो दिए। अब ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, थोड़ी धूप दूंगी यहाँ पे, अभी इतनी अच्छी खासी धूप है यहाँ पे। 6.5 hours later दिन भर ना आज कुछ भी व्लॉग में ऐड करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना फिर नहीं बनाते हैं। आज लगभग एक हफ्ते के बाद लगभग मैं बना रही हूँ फिर से फिरनी। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट रख लिया है दूसरे बाउल में। अब ना इसको हम छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर लेंगे। ये ना नट ग्राइंडर है, इसमें ना अच्छे से छोटा छोटा जो बोलते हैं ना उसको चूरमा, वैसा निकलता है अच्छे से, तो वो मैं निकालती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने शक्कर ले ली है ना, शुगर ले ली, उसको मैं दूध में डाल के रखूँगी और दूध को रखते हैं उबालने के लिए। ठीक है, आते हैं फिर से अपने काम पे। तो ये देखो कितना अच्छा निकलता है, इसमें छोटा छोटा ना बारीक जैसा पेपर जैसा निकलता है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख लो हमारा ये मिक्सचर हो गया रेडी, नट्स का मिक्सचर, नट्स का है। और अब ना यहाँ से हमारा दूध भी उबल गया, अब हम इसमें डालेंगे मिल्क मेड नेस्ले का, 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें, इससे ना अच्छा फ्लेवर आता है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे बोलना कौन कौन फिरनी में ये ऐड करता है। ये ना कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं डालने वाली थी 2 चम्मच, इसमें तो लगभग 3 चम्मच के करीब हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, सूजी मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप। अब ना हम क्या करेंगे एक साथ ना, हाथ को ना हमें रुकाना नहीं है, चम्मच को भी चलाते जाना है और सूजी को भी चलाते जाना है, वरना ना एक साथ डालते हैं ना वो बबल जैसे बनते हैं ना, गुठलियाँ जैसे बनती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। अब इसको अच्छे से हिला के रहेंगे और डालेंगे इसमें कोकोनट्स, जो ना हमने छोटे छोटे पीसेस में काट करके रख लिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स को, मिक्स वाला ड्राई फ्रूट है ना, मिक्सचर वाला ड्राई फ्रूट कट करके रख लिया था, अब वो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अभी ना मैं 1/2 ही डालूँगी, बाद में लास्ट में वो 1/2 इसमें ऐड कर लेंगे। और मैं आप लोगों को थैंक यू करना भूल गई ना, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे ना, दिल खुश हो गया कसम से। और ऐसे ही ना हमें प्यार करते रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, मुझे ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं किशमिश, थोड़े से ही किशमिश। और मुझे बोलना किस किस को किशमिश फिरने में पसंद है, मुझे पर्सनली वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस आप मुझे बोलना आप लोगों को पसंद है। मैंने ना ज़ुल्करनैन के बाबा के लिए डाल दिए थोड़े से ही, उनको पसंद है। अब ना ऐसे ही चलाते रहना है इसको, और मुझे बोलना आप लोगों में से फिरनी कैसी, कोई मैं ना पतली फिरनी खाना पसंद करती हूँ, कोई मोटी सी खाना पसंद करती है, आप लोग मुझे बोलना कमेंट में आप लोगों को कैसी वाली पसंद है, क्योंकि मुझे ना आप लोगों से बात करना बहुत पसंद है और आप लोगों से पूछना भी बहुत पसंद है, आप लोगों को क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद है। हम लोग अब फैमिली जैसे हैं तो हमें एक दूसरे की पसंद ना पता होनी चाहिए। आप लोगों से बातें करते करते हमारी फिरनी भी देख लो तैयार हो गई है। तो मैं ना जब ये ठंडी हो जाएगी ना, ये ना फिर मोटी अच्छी हो, आप भी लग रही होगी आप लोगों को कि पतली है, नहीं, जब ये ठंडी हो जाएगी ना ये अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये देख लो कैसी मैं बनाती हूँ, और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा क्योंकि अच्छा लगता है। मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को, इंसान सीखता है, सीखता ये नहीं कोई परफेक्ट नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप लोग परफेक्ट हो, हम एक कोई बोलता है ना, नहीं मैं हूँ,
मैं हूँ परफेक्ट हूँ तो नहीं, मैं ये बोलूँगी ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उस बंदे की जो बोलेगा मैं परफेक्ट हूँ। ना मैं हूँ ना आप हो, जो परफेक्ट है बस वही है, वो अल्लाह है और कोई नहीं है। एक दूसरे से बात करने से सीखने को मिलता है। और आप लोग मुझे कमेंट में बोलते हो हम ऐसे बनाते हैं, मैं बोलती हूँ मैं ऐसे बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है बोलना। तो ये देख लो होगी बातों बातों में ही हमारी फिरनी भी रेडी टू सर्व। तो अब मैं गैस को करती हूँ मैं बंद और करते हैं फिरनी को सर्व। यहाँ पे मैंने दो बाउल ले लिए, अब इसमें ना फिरनी को डाल दिया। अब ऊपर से इसको गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा खशखाश डालेंगे। तो मुझे अपने लिए खशखाश में बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खशखाश, बहुत ना बहुत ज़्यादा। तो ये देख लो अब राई नहीं करते हैं जुल्करने के बाबा के पल, इसमें बाउल में भी ना ठीक ही डालते हैं तो वो बोलेंगे फिर आपने राई कर ली, तो ऐसा नहीं है। ये देख लो मैंने ना इक्वल इक्वल कर लिया है यहाँ पे, ये देख लो हो गया ना अच्छा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ना हमने जो ड्राई फ्रूट मिक्स वाला रख लिया था ना, तो वो ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे तो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इनका क्रंच जो होता है ना, हर बाइट में एक अलग सा क्रंच होता है, वो भी अच्छा लगता है। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इफ्तार में ना अभी दस मिनट है तो तब तक ये भी ठंडी हो जाएगी अच्छी। होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और बातों बातों में ही देखो एक डिश हमारी तैयार हो गई, ऐसी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी। उम्मीद है पसंद आई होगी आप लोगों को, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेगा। मैं बार बार बोलती हूँ बोर ना हो जाएगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इफ्तारी तैयार कर ली, आप लोगों से फिर मिलूँगी इफ्तारी के बाद। गैस वाट, तो जुल्करने के बाबा चले गए इफ्तारी करके नमाज के लिए। तो यहाँ पे ना मुझे आमलेट खाने का मूड हो गया वेजिटेबल को, तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को अच्छे से वॉश करके रख लिया। टमाटर, ओनियन और धनिया है, हरी मिर्च है और कैप्सिकम और अंडे 5। तो अब मैं ना ऑमलेट बनाने जा रही हूँ, वेजिटेबल ऑमलेट जो ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ये चॉपर ग्राइंडर रख लिया है, इसमें हम ना वेजिटेबल को चॉप कर लेंगे।
हमारा ऑमलेट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ से, तो उल्टा बस एक तरफ कर लेना है आप इसको। और जब तक ये तैयार होगा तब तक मैं खाना सर्व कर लेती हूँ। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।